<متحدث> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله <تصفيق> 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 <متحدث> <تصفيق> الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال الله تبارك وتعالى: <applause> لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البرة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز ناظرين سامعين زي وقار توحيد و سنت کے متوالو میری عزتدار آج जुमा का दिन है और आप तमाम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी गुफ्तु सुनने के लिए हाजिर हैं आज की जुमा का ऐलान किया गया उसका है कि क्या हज और कुर्बानी का कोई बदल भी हो सकता है कोरोना वायरस ने जो हालात पैदा किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस बीमारी की वजह से या इस बीमारी के खौफ की वजह से और हुकूमत वक्त की बगैर प्लानिंग की वजह से सबसे बड़ी मार और सबसे बड़ी परेशानी अगर किसी को हुई है तो वो लेबर तबका है मज़दूर है फुटपाथ पे बिज़नेस करने वाले हैं गरीब गुरबा यतीम परेशान हाल अब इसमें लोग दीनी एतबार से जवा तलाश करने में लगे हुए हैं चुनाचे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर हज नहीं जा रहे हैं तो हज की रकम इसमें डाल दे सकते हैं या नहीं गरबा को तकसीम कर सकते हैं या नहीं कुर्बानी अगर नहीं करे तो कैसा होगा तो हज और कुर्बानी का कोई बदल हो सकता है ये जवाब के सिलसिले में कराम मुफ्तियाने एज़ाम से लोग सवाल कर रहे हैं हमसे भी सवाल कर रहे हैं हमने सोचा कि क्यों ना इस पर तफसीली गुफ्तु की जाए मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों सबसे पहली बात तो यह है कि हज किसके ऊपर फ़र्ज़ है तो क़ुरान कहता है वही ना सिज्जुलबीन सबीला में वो जिनको अल्लाह ताला ने तायब हैसियत बनाया मालदार बनाया मालदारों पर अल्लाह ताला ने हज को फ़र्ज़ करार दिया है और इसी तरीके से कुर्बानी भी जो है मालदारों पर फ़र्ज़ है गरीब पर नहीं है साहिब निसाब पर फ़र्ज है जिसके पास इतनी दौलत है कि जो जकवात देने के काबिल अल्लाह ने उसको बनाया है उसी पर कुर्बानी वाजिब है हज की फर्जियत अल्लाह ताला की तरफ से जो ऐलान हुआ है उसमें इतना माल के जिसमें वो मक्का मदीना जाकर आ सके और इस दरमियान में अपने अहल खाना अपने घर वालों का खर्च दे सके इतनी इस्तात अल्लाह ताला ने दी है तो हज फर्ज करार दिए दिया है